नमस्कार दोस्तों, तो वर्ल्ड इज ऑन द ब्रिंक ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। इस वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा और ये बात, ये लाइन, ये सेंटेंस आपने पहली बार कब सुनी होगी? ये सेंटेंस आपने पहली बार तब सुनी होगी जब हमने इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू को बहुत डिटेल में कवर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ उसमें कहा था कि अगर मैं US का प्रेसिडेंट रहता इस टाइम पर, तो ये 2022 में जितने इशूज़ हुए हैं बड़े बड़े, ये इशूज़ नहीं होते। और उनका मतलब था साफ साफ रशिया यूक्रेन का वॉर ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि पुतिन मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वी गो अलॉन्ग वेरी वेल, तो ये इशू कभी होता ही नहीं। अब यहां पर ये उन्होंने कहा था कि इस बेवकूफी में कि जिस पॉलिसी फेलियर की वजह से और गलत साइड को सपोर्ट करने की वजह से, जबरदस्ती अपने नोज को पोक करने की वजह से हर इशू में, आज स्थिति ये आ चुकी है, जो बाइडेन की ये बहुत बड़ी गलती है, आज स्थिति ये आ चुकी है कि US की वजह से दो वॉर सभी हो रहे हैं। एक तो यहां पर यूक्रेन और रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है और दूसरी तरफ आपका इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट आप देख ही रहे हो। आज वर्ल्ड जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के ब्रिंक पर पहुंच चुका है, ये उन्होंने कहा था। रशिया यूक्रेन के वॉर को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा था कि ये वॉर इतना आगे बढ़ेगा कि आप देखना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर जाकर के, उसके दहलीज पर जाकर के हम खड़े हो जाएंगे। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप बोल करके गए थे, उसके बाद आपने बहुत हवे में ये सारी बातें अब दूसरे साइड से भी सुनी थी। दूसरे साइड से कैसे सुनी थी? दो साइड्स हैं इसमें क्लियरली, एक वेस्टर्न साइड है जो US का है, नेटो का साइड है, और दूसरा साइड यहाँ पर रशिया और उसके एक्सिस का है। रशिया और ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इनका एक जो अपना पैक्ट बना हुआ है, उनका एक साइड है। ये बात कई सारे रशियन MPs हवे में आपने सुन भी लिया होगा, न्यूज़ एजेंसीज के माध्यम से आपने सुन लिया होगा कि रशिया के कई सारे MPs अब बोलने लगे हैं दैट रशिया विल गो ऑल आउट ऑन वॉर विथ यूक्रेन नाउ। अब ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है और अब रशिया ऑल आउट वॉर में जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि रशिया तो ऑलरेडी ऑल आउट वॉर में है यूक्रेन के साथ, अब कैसे ऑल आउट वॉर में जाएगा? तो नहीं, अभी ये वॉर सिर्फ सिंगल सिंगल कंट्रीज के बीच में थी, यानी रशिया एक तरफ, दूसरी तरफ यूक्रेन, इन दोनों कंट्रीज के बीच में थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वेस्टर्न पावर्स ने यूक्रेन के साइड से एंटर किया है और रशिया के साइड से चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया ने एंटर किया है, और अगर ये मल्टीपल कंट्रीज अगेंस्ट मल्टीपल कंट्रीज हो जाएगा, तब हम वर्ल्ड वॉर 3 में एक्चुअल में एंटर कर जाएंगे, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। द एक्सिस पावर्स वर्सेस द अलाइड पावर्स जब हुआ था, तब आप वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर कर चुके थे। ठीक वैसा ही अगर यहां पर मल्टीपल कंट्रीज आपस में लड़ने लग जाएंगी, तो यहां पर आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 3 में आप एंटर कर चुके हो। और अभी पैरेलली दो इश्यूज चल रहे हैं, एक तरफ रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और एक तरफ इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इन दोनों को जोड़ करके जब आप देखोगे तो आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी। एग्जैक्टली हुआ क्या है? एग्जैक्टली रशिया के MP ने खुले तौर पर यह धमकी दी है कि अब रशिया के पास वो समय आ गया है कि रशिया को ऑल आउट वॉर पर जाना चाहिए यूक्रेन के साथ में। जिस तरीके से ये यूक्रेनियन ट्रूप्स ने घुसे हैं रशिया के बॉर्डर के अंदर में और कर्क्स रीजन को अटैक किया उन्होंने 6 अगस्त को, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कम से कम 200,000 लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए। और इस वजह से अब ये इन्होंने एक मौका दिया है रशिया को कि अब हमें और हमारे सपोर्टर्स को इन कंट्रीज के ऊपर ऑल आउट वॉर में चला जाना चाहिए। अब देखिए, एक वॉर्स होते कैसे हैं? ये वॉर दोनों साइड्स के लिए गलत नहीं होंगे, मतलब ये उसको जस्टिफाई करते हैं। जैसे जो बाइडेन को आपने कहते हुए सुना कि दिस वॉर इज अगेंस्ट इनजस्टिस, दिस वॉर इज फॉर पीस, वैसे ही आप पुतिन को भी कहते हुए देख रहे हैं कि दिस इज अन होली वॉर और दिस वॉर इज फॉर पीस। तो मतलब दोनों साइड्स जब वॉर को जस्टिफाई करने लग जाएं, तो आप ऐसा मान लीजिए कि अब इस वॉर में सीज फायर साइन होना या इस वॉर में शांति होना बहुत मुश्किल है। और यही चाहते हैं एक्चुअल में दोनों साइड्स, क्योंकि जो आप सपोर्ट देखोगे, अभी देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, रिसेंटली यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव लिया जो मैं आपको कवर करके बता चुका हूं। ये आपको रशिया यूक्रेन का यहां पर बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो इसके पहले जो ऑफेंसिव लाइन थी इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो वॉर चल रहा था, वो यहां सुमी के अराउंड थी या खार्किव के अराउंड, आप ले लो खार्किव तक ऑफेंसिव हो रहा था, यहां से 1-2 किलोमीटर आगे और 1-2 किलोमीटर पीछे, यहीं पर इसी ऑफेंसिव लाइन पर, फ्रंट लाइन पर बैटल चल रही थी। और ये अभी से नहीं, पिछले कई महीनों से चल रही थी। हालांकि रशियन ट्रूप्स ने आगे बढ़ने की भी कोशिश करी, लेकिन फिर यूक्रेन ने रीगेन किया, इनको ढकेल के यहां तक लेके आए, फिर वो डायरेक्ट एयर अटैक करते हैं कई शहरों पर, फिर वो उसका जवाब देते हैं। तो इस तरीके से ये वॉर चल रहा था, लेकिन जो फ्रंट लाइन बैटल है वो यहां पर सुमी पर या खार्किव के आसपास बनी हुई थी। अब अचानक से क्या होता है कि यूक्रेन जो है वो 6 अगस्त को सीधा रशियन टेरिटरी में एंटर कर जाता है, यहाँ पर इनकी ट्रूप्स को पीछे ढकेलते हुए और रशियन टेरिटरी में एंटर करता है। और रशियन टेरिटरी में जो कर्स्क का रीजन है, कर्स्क
जो रीजन है उसके कई सारे छोटे छोटे जो गांव हैं उनके ऊपर कब्जा लेना शुरू कर देता है। मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाया था, आपके पास वो वीडियो भी होगी जहां मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर से रशियन फ्लैग को हटा करके वहां पर यूक्रेनियन फ्लैग्स लगा दिए गए थे। तो इन्होंने क्या किया, 6 अगस्त को अटैक किया और उसके बाद सुज्जा जो गाँव है वहाँ पर इन्होंने वहाँ पर कब्जा ले लिया और वहाँ से कम इस वाले एरिया से जो ये शेडेड पोर्शन है इससे कम से कम बताया गया कि 76,000 लोग यहाँ से इवैकुएट किए। जो नीचे वाला रीजन था वहाँ से 11,000 लोग करीब इवैकुएट किए। उसके बाद 11 अगस्त तक ये लोग कोरेनेवो पहुँच गए थे और यहाँ पर इन्होंने अटैक, यहाँ पर इन्होंने कब्जा ले लिया जो यहाँ पर ये आपको शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो कोरेनेवो में पहुंच करके इन्होंने कब्जा ले लिया और उसके बाद इसके थोड़े दूर पर ही कर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। अब ये जो कर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको भी कब्जा करना चाहती है यूक्रेनियन मिलिट्री। जेलेंस्की का बयान भी आया, जेलेंस्की का अपना बयान आया कि भाई हमने कर्स के कई सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स को कंट्रोल में ले लिया है जहां पर यूक्रेनियन ट्रूप्स मौजूद हैं और रशिया ने बहुत कोशिश करी है। अब जैसे 6 अगस्त को पहली बार अटैक हुआ था, आज 16 अगस्त है, कम से कम 10 दिन हो चुके हैं। रशिया ने काफ़ी कोशिश की है इनको पीछे ढकेल करके बाउंड्री के बाहर ले जाने की, लेकिन अभी तक कोई सिग्निफिकेंट गेन रशिया को इसमें नहीं हो पाया है। तो टोटल इसमें बताया जा रहा है सब कुछ जोड़ के, सारे एरियाज को जोड़ करके कम से कम 2 लाख जो लोग हैं यहाँ पर रहते थे वो अब इस जगह को छोड़ करके मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं और ये रशिया के लिए बहुत बड़ी हार है अपने आप में, क्योंकि पहली बार रशिया को इस पूरे वॉर में किसी रीजन में फेडरल इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत पड़ी है और यहाँ पर वो फेडरल इमरजेंसी रशिया ने लगाई है। तो ये रशिया के केस में बहुत बड़ा ऑफेंसिव यूक्रेन ने लिया है और इसीलिए रशियन एमपीज़ क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से वेस्टर्न मिलिट्री सपोर्ट मिला है, जिस तरीके से वेस्टर्न इक्विपमेंट्स मिले हैं, वेस्टर्न एम्यूनिशंस मिले हैं यूक्रेन को, इसीलिए यूक्रेन ये ज़रूरत कर पाया है कि वो रशिया की टेरिटरी में एंटर कर पाया है और रशिया के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर भी अटैक किया गया जिसकी वजह से 2 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं। तो यहाँ पर क्लियरली फॉरेन पार्टिसिपेशन देखा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन में इतनी ताकत नहीं है कि यूक्रेन रशियन टेरिटरी के अंदर एंटर कर पाए और ये बात कुछ हद तक सही भी हुई। जब तक ये, जब से ये वॉर चल रहा है, आप देखिए ऑलमोस्ट 2 साल खत्म हो गए हैं, जब से ये वॉर चल रहा है तब से यूक्रेन ने कभी इतना बड़ा ऑफेंसिव नहीं लिया है, यूक्रेन ने कभी इतना बड़ा ऑफेंसिव लेकर के रशियन टेरिटरी में घुसने की ज़रूरत नहीं करी है। तो ये पहली बार हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बिकॉज US elections आर कमिंग वेरी नियर और जो बाइडेन की गवर्नमेंट जो है वो भी थोड़ा सा डेस्परेट है इस चीज़ के लिए कि उनको भी कुछ दिखाना है, नेटो काफ़ी डेस्परेट है बिकॉज उसके रेलेवेंस पे सवाल उठाया गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा उसके रेलेवेंस पर क्वेश्चन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न सपोर्ट यूक्रेन को दिया गया है, बहुत ज़बरदस्त वेस्टर्न सपोर्ट दिया गया और खुले में सपोर्ट दिया गया, अब छुपा के कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी $125 मिलियन का जो पैकेज है वो खुलेआम जो बाइडेन ने दिया और कहा दिस वॉर इज़ फॉर पीस, बेसिकली दे आर जस्टिफाइंग द वॉर और उन्होंने यूक्रेन को ये प्रोवाइड किया और उसके बाद ही यूक्रेन का आप ये इतना बड़ा जो है इंकर्जन रशियन टेरिटरी के अंदर में देखते हो। तो ये तो रशियन एमपी ने बताया एक न्यूज़ एजेंसी को कि ये वेस्टर्न जो वेस्टर्न सपोर्ट है उसकी वजह से यूक्रेन ऐसा कर पा रहा है और इसीलिए अब रशिया को ऑल आउट वॉर में चले जाना चाहिए। बल्कि व्लादिमीर पुतिन के सबसे क्लोज जो एड हैं आज के टाइम पर निकोलाई पेट्रुशेव, उन्होंने भी ये बात का अंदेशा दिया था न्यूज़ एजेंसी को कि भाई वेस्टर्न सपोर्ट के बिना यूक्रेन कुछ भी नहीं है, यूक्रेन ये इतना बड़ा अटैक कर ही नहीं पाता और इसका जवाब देने के लिए अब हमारे भी सपोर्ट्स के, हमारे भी जो सपोर्टर्स हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे, काफ़ी डीप हम टॉक्स चल रही हैं और उसके बाद रशिया भी अब बहुत बड़ा ऑफेंसिव लेगा, ये बात खुद निकोलाई पेट्रुशेव ने कह दिया है। अब ये खुल के तो सारी चीज़ें नहीं कहेंगे, तो निकोलाई पेट्रुशेव का इतना ही कहना कि रशिया इज़ प्लानिंग समथिंग वेरी बिग, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके का ऑफेंसिव अब रशिया लेने वाला है। अब देखिए दोनों ग्रुप्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक ग्रुप इल्ज़ाम लगा रहा है मतलब रशिया ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि यूक्रेन के साथ में यहाँ पर वेस्टर्न पावर्स खड़े हैं, ठीक है। यूक्रेन सेम इल्ज़ाम रशिया के ऊपर लगाता है, कहता है कि रशिया और उसके जो एलाइज हैं यानी कि चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये तीनों मिल करके रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं और रशिया जो है वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, ये इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं, वो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्लियरली क्या हो चुका है, जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मल्टीपल कंट्रीज हैव एंटर्ड इनटू दिस ऑफिशियली, एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूक्रेन है, दूसरी तरफ रशिया एंड द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान आर देयर,
और नॉर्थ कोरिया में तो किम जोंग उन को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में ले लिया है व्लादिमीर पुतिन ने। किम जोंग उन ने और डीपर कोऑपरेशन की बात करी है और उन्होंने इस वॉर को जस्टिफाई भी किया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नाउ दीज बोथ साइड्स आर जस्टिफाइंग द वॉर। उन्होंने कहा है दिस इज अ होली वॉर फॉर पीस एंड इनजस्टिस। ये बात उन्होंने क्लियरली कही है, दिस मीन्स अ लॉट। ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने बोली है कि दिस इज अ होली वॉर फॉर पीस एंड जस्टिस। दैट मीन्स कि वो पूरी तरीके से वॉर को जस्टिफाई कर रहे हैं दोनों साइड्स मिलकर के। तो यहां पर ये बड़ा एक आपको देखने को मिल सकता है। अब यहां पर आपको डिटेल में थोड़ा सा समझना है इस चीज को कि यहां पर जो ईरान का इन्वॉल्वमेंट है, अब ईरान से लिंक्ड एक और पैरेलल वॉर चल रहा है जो कि इसराइल के साथ में चल रहा है। इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट है जो कि ईरान से लिंक्ड है। अब यहां पर आप देखना कि थोड़े समय पहले क्या था, थोड़े समय पहले ये जो वॉर था रशिया यूक्रेन का, ये ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब यहां पर ऑफेंसिव लाइन आगे पीछे और नहीं होने वाली है। जितनी टेरिटरी ले ली है रशिया ने उसी के ऊपर सीज फायर साइन हो जाएगा और वो टेरिटरी इनको वापस मिल जाएगी। जब तक यूएस इलेक्शंस नहीं होते हैं तब तक कोई भी अशांति नहीं होगी। दूसरी तरफ इसराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी यही चल रहा था, उसमें भी कोई मेजर सिग्निफिकेंस नहीं दिया जा रहा था। इसराइल जो है वो काफी अटैक कर रहा था हमास के टेरिटरीज के ऊपर, हमास का जो पूरा टॉप लीडरशिप है वो निकल के जा चुका था वहां से। तो ये सारी चीजें वहां पर चल रही थी दोनों। अब यहां पर दोनों में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि दोनों वॉर बहुत ज्यादा गर्म हो चुके हैं। जैसे इसराइल हमास से कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ, इस्माइल हानिया की डेथ वॉज दैट सिग्निफिकेंट इवेंट जिसकी वजह से कहा गया कि अब ये वॉर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की बात कह चुका है कि हम अटैक करेंगे। ईरान अटैक क्यों नहीं कर रहा है उसका रीजन यहीं पर छिपा हुआ है। दूसरे तरफ जो ग्रुप है रशिया यूक्रेन का, यूक्रेन ने बड़ा ऑफेंसिव लिया और रशिया के कर्स रीजन पर, रशियन टेरिटरी पर अटैक कर दिया और ये भी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है ये पूरा इवेंट। अब यहां पर क्लियरली जो ये वाला साइड है यानी कि चाइना ईरान रशिया एंड नॉर्थ कोरिया का साइड है, ये थोड़ा सा बैकफुट पर है, बट द बॉल इज इन देयर कोर्ट। अब इनको कुछ ऐसा बड़ा करके दिखाना है और ये करने की धमकी दे भी चुके हैं। एक तरफ ईरान धमकी दे चुका है, दूसरी तरफ रशिया धमकी दे चुका है। अभी तक दोनों ने कुछ बहुत सिग्निफिकेंट नहीं किया है, बट यू कैन सी समथिंग सिग्निफिकेंट फ्रॉम दिस साइड बिकॉज जो इनके नेता बोल रहे हैं, जो व्लादिमीर पुतिन के बहुत क्लोज हैं निकोलाय पेट्रुशेव, वो बोल चुके हैं दैट मीन्स समथिंग बिग इज हैपनिंग, समथिंग बिग इज बींग प्लान्ड। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही थी कि द वर्ल्ड हैज रीच्ड एज द एट द ब्रिंक ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, मतलब हम थर्ड वर्ल्ड वॉर के एकदम दहलीज पर खड़े हैं और किसी मोमेंट भी थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है अगर कोई बड़ा इवेंट हो जाता है तो। तो इसीलिए यहां पर देख इस पूरे दोनों इवेंट्स को, अलग अलग इवेंट्स को जोड़ करके देखा जा रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, दोनों में क्योंकि ईरान इन्वॉल्व है तो ईरान क्या करेगा वो डिपेंड करता है कि रशिया क्या प्लान कर रहा है और ये सारी कंट्रीज किस तरीके से सपोर्ट करेंगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं। अगर ये कंट्रीज ऑल आउट वॉर में सपोर्ट नहीं करेंगी, जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं वो ऑल आउट वॉर में नहीं जाएंगी, तो यहां पर ये लोग बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। ईरान को भी सपोर्ट चाहिए। ईरान अगर ऑल आउट वॉर में जाता है इसराइल के साथ में तो ईरान नीड्स रशिया, ईरान नीड्स नॉर्थ कोरिया एंड चाइना, अदरवाइज ईरान अकेले नहीं टक्कर ले पाएगा इसराइल से, बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा और ये बात वो पहले ही समझ चुका था। इसीलिए अभी तक धमकी देने के बाद भी अटैक ईरान ने नहीं किया है। सो नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट और आप बहुत जल्दी कोई बड़ी न्यूज सुन सकते हो बिकॉज समथिंग बिग, सम बिग प्लानिंग इज गोइंग ऑन इन देयर साइड, क्योंकि जो उनके MPs के बयान है उसको एनालाइज करके ये सारी चीज़ें निकाली गई हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वर्ल्ड अफेयर्स टीम की तरफ से। देखिए हमने आपके लिए दो कोर्स लॉन्च किए हैं और ये कोर्स मेरे द्वारा ही लिए जाएंगे। ये दोनों कोर्स जो हैं, एक है द प्राइस द एपिक क्वेस्ट फॉर ऑयल मनी एंड पावर और दूसरा कोर्स है उसका नाम है जजमेंट्स दैट शेप्ड इंडियाज फाइनेंशियल लैंडस्केप। ये दोनों जो कोर्सेस हैं ये बंडल कोर्स हैं, मतलब आपको एक नॉमिनल प्राइस पे करना होगा इन कोर्सेस के लिए, दैट इज 999 के प्राइस पर। मतलब एक्चुअल में तो ये कोर्स जो है वो 2999 का दिखाई देगा जब आप वहां पर जाओगे, तो वहां पर आप मेरा कोड यूज करना APYT10 और उसके बाद ये डिस्काउंट होकर प्राइस 999 का हो जाएगा और इस प्राइस में आपको ये दोनों कोर्सेस मिल जाएंगे। अब ये दोनों कोर्सेस आपको कैसे हेल्प करेंगे वो मैं आपको एग्जैक्टली समझा देता हूं। देखो इस वाले कोर्स में यानी कि द प्राइस द एपिक क्वेस्ट फॉर ऑयल मनी एंड पावर, पूरी वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स एक्चुअल में अगर आप डिटेल में समझोगे तो वो क्वेस्ट फॉर ऑयल से ही शुरू होती है। क्वेस्ट फॉर ऑयल से लिंक होता है मनी और मनी से आता है पावर और ये सारी चीज़ें आपस में तीनों पैरेलली खड़ी रहती हैं, तीनों एक दूसरे से लिंक करती हैं। तो उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑयल के फाउंडर्स क्या कौन थे, उन लोगों ने कैसे इस पूरे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को पूरी चेंज करके रख दिया। उसके बाद वहां पर हम
ग्लोबल स्ट्रगल क्या थी ऑयल के लिए, कैसे फॉरेन पावर्स जो हैं वो दूसरी कंट्री में इन्वॉल्व होते हैं, मिडिल ईस्ट का इश्यूज कैसे शुरू होता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन एज के ऊपर डिस्कस करेंगे, ये वर्ल्ड कैसे बाइपोलर बन गया, बाइपोलर मतलब कि दो तरफ कैसे, एक तरफ वेस्टर्न पावर देखते हो, एक तरफ आप वो रशिया वाला पूरा एक्सिस देखते हो, उसमें कौन कौन है, बाइपोलर वर्ल्ड कैसे बना। आज की डेट में हमारा पूरा जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर है, मतलब दे आर मल्टीपल सुपर पावर्स जिनके अपने अपने अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिसमें इंडिया है जो कि थर्ड वर्ल्ड का लीडर माना जाता है, तो इंडिया की क्या इसमें सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज़ें हम इन लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मतलब इस कोर्स के अंदर में 5 लेक्चर्स होंगे, लेकिन ऐसा मत समझना कि ये 5 ही लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर्स जो होंगे वो 2.5 घंटे 2 घंटे के करीब तो जाएंगे ही जाएंगे, बिकॉज काफ़ी डिटेल में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट लेक्चर जो होगा हमारा कि द अल्टीमेट बैटल ऑफ वर्ल्ड मास्टरी, जिसमें हम प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करके मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो वॉर्स चल रहे हैं वो कहाँ एंड होंगे, और फिर उसके बाद हमारी दुनिया कैसे दिखेगी, क्या ये वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, अगर होगा तो उसकी उसका रूप कैसा होगा, इंडिया का उसमें क्या रोल होगा, ये सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में इस पूरे कोर्स के अंदर में समझने वाले हैं। तो इस कोर्स का नाम है द एपिक क्वेस्ट फॉर ऑयल मनी एंड पावर। अब जो पॉलिटी का कोर्स है, ये जियोपॉलिटिक्स का हो गया, जो पॉलिटी का कोर्स है उसमें हम समझेंगे जजमेंट्स दैट शेप्ड इंडियाज फाइनेंशियल लैंडस्केप। इंडियाज फाइनेंशियल लैंडस्केप के ऊपर आपको बहुत कम कॉन्टेंट मिलेगा, क्योंकि इंडिया का फाइनेंशियल लैंडस्केप ज़्यादा एनालाइज नहीं किया हुआ है, तो इसलिए मैंने हैंड पिक करके जजमेंट्स को उठाई है जिससे इंडिया की शक्ल बदल गई। एक्चुअल में फाइनेंशियल लैंडस्केप बहुत इंपॉर्टेंट है और उस फाइनेंशियल लैंडस्केप से बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, इसीलिए मैंने ये जजमेंट्स उठाई है। और ये जजमेंट्स वो जजमेंट्स हैं जो काफ़ी फेमस जजमेंट्स हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ इसमें आर्टिकल पढ़ा दूंगा, आर्टिकल्स के साथ साथ जो आर्टिकल्स को क्वेश्चन किया गया उसके साथ साथ अमेंडमेंट्स जो हुए थे वो अमेंडमेंट्स कैसे चैलेंज हुए, शेड्यूल 9 का क्या रोल था, उसमें पॉलिटिक्स का क्या रोल था, वर्ल्ड मतलब इंडिया की पॉलिटिक्स किस तरीके से चल रही थी, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, अपोजिशन में कौन था, अपोजिशन में क्या क्लैशेस थे इन लोग के, थिंकिंग के क्या क्लैशेस थे इन लोग के, ये सारी चीज़ें मतलब इन सारे सिनेरियोज पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें जैसे आपको जजमेंट दिख रहा है बैंक नेशनलाइजेशन का, जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर आया था, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद वुमेन इन वर्कप्लेस, आपने विशाखा जजमेंट का नाम सुना होगा, उसके बारे में हम इसमें समझेंगे। 2G केस के बारे में सुना होगा। और लास्ट जो सबसे हैंडपिक जजमेंट है, जो सबसे रिसेंट और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट रही है अभी तक की, वो आधार केस है। अब आधार केस में आपको पता है कि 2 सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस ही आपस में क्लैश हो गए थे। एक जजमेंट आया था प्राइवेसी के ऊपर, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, KS पुत्तास्वामी का जजमेंट था ये। और ये और आधार केस, ये दोनों आपस में क्लैश हो गए, दोनों सुप्रीम कोर्ट के थे। भाई आधार में अगर गवर्नमेंट के पास आपका सारा डेटा रहेगा तो प्राइवेसी किस बात की रहेगी। और इसी के ऊपर जो आज मैं आपको सुबह मैंने डिस्कस करके बताया था, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, और उसके बाद उत्तराखंड में एक नर्स के साथ रेप हुआ है, उसमें आप कहीं कहीं हवे में बात सुन रहे होंगे DNA प्रोफाइलिंग की, कि भाई DNA प्रोफाइलिंग क्यों नहीं होती है हर पर्सन की, जब उनके आधार पैन सब कुछ आपके पास हैं तो DNA प्रोफाइलिंग कर लीजिए पूरे देश की, ताकि तुरंत DNA से पता लग पाए कि कौन है कल्प्रिट यहाँ पर। तो DNA प्रोफाइलिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बातें आज तक हुई हैं, वो सब कुछ आधार केस में भी एक डिसेंट ओपिनियन था जिसमें ये बात कही गई थी एक जज द्वारा, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर 5 लेक्चर्स में, और उसके बाद पॉलिटी के ऊपर 5 लेक्चर्स में। तो ये कोर्स जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 999 में आपको अवेल हो सकता है। मेरा कोड आप यूज करिएगा APYT10। इस कोर्स की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, उस पर जाकर के आप इस कोर्स को एक बार चेक जरूर कर लेना। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है इसमें तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं कमेंट आपका देख करके इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, इस कोर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।